কি মামুনেরা খেলা হবে খেলা শেষ হবে যারা পালিয়ে গেছে গদ্দারি করেছে কে কত নিয়েছে জিজ্ঞেস করুন কে কত নিয়েছে জিজ্ঞেস করুন তৃণমূল চোর নরেন্দ্র মোদী তোমার গদ্দার চোরে বাবা চোরে সর্দার অনুপ্রবেশকারীদের ফুফু আর রোহিঙ্গাদের খালা আগামী দিন এই বিজেপি সরকার আর বিজেপি সরকারের টিম মমতাকে আমরা বাংলা থেকে উচ্ছেদ আমার নাম তোমার নাম আমার নাম তোমার নাম দোয়া চেয়ে বলবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ হাফ লাখ ভোটে যদি মাননীয়কে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব নমস্কার মই হুঁ আপকে সাথ প্রিয়া সিং रोज हम आपको बताते हैं बंग की जंग में क्या खेला होगा लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगी कि बंगाल चुनाव की धुरी बन चुके नंदीग्राम से जुड़ा एक ऐसा खेला जो दीदी का कोई खेला कामयाब होने ही नहीं देगा ये खेला जुड़ा है फुरपुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ जिन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अब वो नंदीग्राम में दीदी का खेला बिगाड़ने जाएंगे कैसे इस रिपोर्ट को देखिए आप ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने थे लेकिन अब बंगाली भाईजान और फुफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी नंदीग्राम में खेला करने जा रहे हैं इस हाई प्रोफाइल सीट पर अब्बास की एंट्री का मतलब यह भी है कि दीदी का धर्म खेला बिगड़ भी सकता है তৃণমূল কংগ্রেস 2021-এ জিতবে জয় জয় শ্রীরাম জয় জয় শ্রীরাম তিনি প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর নন্দীগ্রামে যান যখন ভোট আসে তখন যান তার আগে তার নন্দীগ্রামের কথা মনে পড়ে না 2015 সালে 21-এ ডিসেম্বর बंगाल चुनाव की धुरी इस वक्त नंदीग्राम है वो नंदीग्राम जहां दीदी मतलब ममता बनर्जी और दादा यानी कि शुभेंदु अधिकारी की सीधी जंग है लेकिन इस रण क्षेत्र में इन दोनों के अलावा अब फुरपुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी उतर आए हैं ये वो खेला है जो नंदीग्राम में दीदी के हर खेले को पलट सकता है অতএব সেই জায়গায় নন্দীগ্রাম নন্দীগ্রামে কাকে ভোট দেবেন এখানে নন্দীগ্রাম নয় জানি এটা খেজুরি একদম বর্ডারে তারপরে বলছি দূরে রিসিভে যাবে হয়তো নন্দীগ্রামে কাকে ভোট দেবেন দিদিকে দিদিকে ভোট দেন আমি বলছি ধরুন কারো মনে যদি থাকে দিদিকে ভোট দেবেন দিদি জিতার পরে বিজেপিতে চলে যায় सूबे की सियासत में खासा दखल देने वाले फुरपुरा शरीफ के पीरजादा की नंदीग्राम को लेकर के भविष्यवाणी सिर्फ इतनी नहीं है बल्कि इरादा नंदीग्राम के रण में दीदी के खिलाफ प्रचार करने का भी है दरअसल लेफ्ट और कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल अब्बास नंदीग्राम में संयुक्त मोर्चा उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी के लिए प्रचार करने जाएंगे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ नंदीग्राम में ऐसा कैंडिडेट को दे जो नंदीग्राम से जीत के आ सकते हैं नंदीग्राम के रण में अब्बास हुंकार भरेंगे तो दीदी का हर खेला नाकाम इसीलिए हो सकता है क्योंकि नंदीग्राम में 70% हिंदू हैं जबकि 30% मुस्लिम हैं अगर कुल वोटर की बात करें तो 2,13,000 में 1,51,000 वोटर हिंदू हैं और 62,000 मुस्लिम हैं ऐसे में अगर बंगाल के भाईजान नंदीग्राम में दीदी के खिलाफ ललकार भरेंगे तो इसका असर मुस्लिम मतदाताओं पर हुआ तो इस वोट बैंक के बटने का खामियाजा दीदी को भुगतना पड़ेगा ভালোবাসার মানুষকে বলবো যেখানে যেখানে বাম শরিক দল প্রার্থী দেবে আগামী ইলেকশনে মাতৃভূমিকে রক্ত দিয়ে হলো স্বাধীন আমরা করব क्योंकि दीदी के सामने खुद को नंदीग्राम का धरती पुत्र बताने वाले शुभेंदु अधिकारी हैं, जो दीदी पर तुष्टिकरण का आरोप लगाकर उन पर लगातार जुबानी हमला कर रहे हैं আমি নিশ্চয় ঈদের সময় ইসলাম ধর্ম যারা মানেন তারা জামাতে যান আমি যাব কেন আমি তো ইসলাম ধর্ম মানি না আমি তো অন্য ধর্মের লোক
ওরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সকালবেলা যায় রেড রোডে নামাজ পড়তে, তাতে মুসলিমরা খুশি হয় না। কিন্তু আমি নামাজের শেষে জামাতের শেষে আমার সংখ্যালঘু মুসলিম বন্ধুদের ঈদ মোবারক দিতে আসি, গোলাগুলি করতে আসি, আমি সেই রাজনীতি করি। আমার ধর্মের প্রতি আমি আস্থাশীল, অপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। सवाल है कि सुवेंदु और फुरपुरा के अब्बास का चक्रव्यूह क्या नंदीग्राम में दीदी भेद पाएंगी? शायद इसी की काट के तौर पर दीदी इन दिनों धर्म खेला में जुट गई हैं। मंदिर मंदिर मतदाता साथ रही हैं, तो मजार पर चादर भी चढ़ा रही हैं। शरण नितम बके गौरी नारायणी नमस्तुते, अल्लाहर काछे प्रार्थना करी, अल्लाह दुआ दाओ, শুভ কামনা দাও, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। তো কিয়া নন্দীগ্রাম মে পীরজাদা আব্বাস কে এন্ট্রি বাকি দিদি কা খেলা বিগাড় সকতি হে? জি ও সওয়াল হে জো বহুত জলদ পুরে দেশ কে রাজনৈতিক গলিয়ারো মে পুছা জায়েগা। লেকিন হমনে আপকো আজ হি ফুরপুরা কে পীরজাদা সে জুড়ে ইস খেলে কে বারে মে বাতা দিয়া। আব তফসিল সে সমঝিয়ে কি কিউ মমতা কে লিয়ে সিদ্দিকী কা ইয়ে এলান পরেশানি কা সবব ভি বন সকতা হে। বলতে পারি নিজের নাম ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। নন্দীগ্রাম কে সংগ্রাম মে কভি দিদি কা রাজদার রহে আব্বাস সিদ্দিকী, আব উনহি কে খিলাফ তকরির দেঙ্গে। बंगभूमि की सियासी धुरी बन चुके नंदीग्राम में 1 अप्रैल को दूसरे चरण के दौरान वोट युद्ध तय है। इससे पहले ही आईएसएफ के अब्बास दीदी के खिलाफ माहौल बनाएंगे। ए ममता दीदी, ए घूमटा उड़ा के मुसलमान को बेवकूफ बना रहे, ए मुसलमान की रक्त तो चुरस चूसना चाहते हैं। ये लोग चाह रहे बीजेपी आ जाएगा, मुसलमान के हाथ में कुछ नहीं रहेंगे, मुसलमान को जब कत्लेआम करेंगे तो ममता सिटी बजाएंगे, इसका ये इरादा है ममता का। मतलब साफ है, बंग की जंग में असरदार रहने वाले मुस्लिम वोट बैंक को अब्बास दीदी के खिलाफ करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ममता समर्थक जर्जिस अब्बास के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। के भाइयों, हमारी अकलों में भैंस का गोबर भरा हुआ है, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या? क्या ये साजिश है हमारे सामने नहीं है क्या? हम इससे वाकिफ नहीं है क्या? लेकिन तुम सोचो कि मौलवी जर्जिस नाम लेगा? नाम लेना गवारा नहीं करूंगा। तुम तो अकलमंद हो, भैंस का गोश्त तो हम लोग खाते हैं, तुम तो कुछ और खाते हो। अकल तो तुम्हारी चलनी चाहिए, तुम्हारी अकलों में गोबर कब से भर गया है? साजिश नहीं समझ पा रहे हो, प्लानिंग नहीं समझ पा रहे हो, मंसूबे नहीं समझ पा रहे हो। खुद को दीदी का समर्थक बताने वाले यही जर्जिस पिछले दिनों डर की बोली को हवा भी देता रहा। अगर यहाँ से आपकी ममता जी अगर दोबारा नहीं आई तो कलिया चक से गोश्त कलकत्ता नहीं पहुँचा पाओगे। ममता का मौलाना टीवी पे हेडिंग चला रहा है, दिखा रहा बात, ममता का मौलाना, बार बार कह रहा ममता का मौलाना, ममता का मौलाना। लेकिन जे हिंदुस्तान ने जब इस जहरीले मौलाना का पर्दाफाश किया तो गायब हो गया। अब एक बार फिर मौलाना जर्जिस सामने आया है और इसकी बौखलाहट इसी बात से जाहिर होती है कि इसकी जुबान पर आज भी जी हिंदुस्तान का ही नाम है। जी हिंदुस्तान, ऐसे लोग वहां पहुंच जाए तो उसको बचाएंगे नहीं, वो डूब रहा है उसको बचाएंगे नहीं, उसके मुंह में माइक घुसड़ के पूछेंगे इस वक्त कैसा लग रहा है, डूबते हुए कैसा लग रहा है। यानी जर्जिस तो बंगाल की सियासत से करीब करीब गायब हो चुका था, दूसरी ओर समूचे बंगाल में फुरफुरा शरीफ का प्रभाव है। बंगाल में 30% मुस्लिम वोटर हैं, इनमें से कम 24% बंगाली भाषी मुस्लिम हैं, जिनका बंगाल की 100 से ज्यादा सीटों पर सीधा असर है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जिस फुरफुरा शरीफ दरगाह से जुड़े हैं उनका मुस्लिम वोट बैंक वाली सभी सीटों पर खासा असर है। यही नहीं, हुगली जिले में फुरफुरा शरीफ का करीब 3000 मस्जिदों पर नियंत्रण है। दरगाह के जरिए कई शैक्षणिक संस्थान, अनाथालय, मदरसे और स्वास्थ्य केंद्र चलाए जाते हैं। ऐसे में नंदीग्राम के मुस्लिम वोटर को साधने के लिए अब्बास कोई खेला करेंगे तो दीदी का हर खेला पलट जाएगा। यानी बंग की जंग में चुनाव की धुरी बन चुके नंदीग्राम में अब जंग और जबरदस्त होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि पीरजादा अब्बास एक फैक्टर है, ममता के लिए सुवेंदु का सामना करना भी आसान नहीं होगा, जिस तरीके के इस वक्त सियासी समीकरण पश्चिम बंगाल में बनते नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए।
আমি ভালো প্রার্থী দেবো, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামে আমার নামটা যেন থাকে। नंदीग्राम से शुरू, नंदीग्राम से खत्म। নির্বাচন কমিশনের হাতে চলে গেছে আর মনে রাখবেন একমাস পরে বাংলা দিদিদের হাত থেকে চলে যাচ্ছে, আমরা বাংলা দখল করব। मैदान में ममता के पुराने सेनापति। ममता ने बंगाल के समर का सबसे बड़ा सियासी रणक्षेत्र नंदीग्राम को खुद यहां से मैदान में उतार कर बनाया। नंदीग्राम হচ্ছে আমার কাছে একটা লাকি জায়গা, কেন বলুন তো, 2016 ইলেকশনের আগে আমি নন্দীগ্রাম থেকেই আমি আমার ইলেকশন ঘোষণা করেছিলাম। আমি আজকেও এসেছি নন্দীগ্রামে, নন্দীগ্রাম থেকে তৃণমূল কংগ্রেস 2021 জিতবে। दीदी के इस फैसले पर पलटवार करते हुए कभी उन्हीं के सेनापति रहे सुवेंदु अधिकारी ने भी डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि नंदीग्राम से दीदी की करारी हार तय है। दीदी जब तक पॉलिटिकल थे मैं उसका साथ थे, दीदी आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पार्टी को कन्वर्ट कर दिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का साथ मैं नहीं सर। लेकिन क्या कहते हैं इस वक्त जो टक्कर होगी सीधा उन्हीं से होने वाली है। कोई टक्कर नहीं, ममता दीदी 8 लाख से ज्यादा वोट में वो हारने वाले। सवाल है नंदीग्राम का असली अधिकारी कौन बनेगा, जवाब 2 मई को मिलेगा। लेकिन दादा को यकीन है कि उनका दबदबा दीदी को महंगा पड़ेगा। दरअसल मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और मालदा की कम से कम 50 विधानसभा सीटों पर शुभेंदु अधिकारी का वर्चस्व है। सुवेंदु अधिकारी के अलावा ममता के लिए एक बड़ी मुश्किल फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि नंदीग्राम में मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन के वक्त ममता का समर्थन करने वाली फुरफुरा शरीफ के अब्बास आज दीदी के खिलाफ हैं और उनका दावा नंदीग्राम में भी ताकत दिखाने का है। मतलब एक और मुस्लिम वोट बैंक पर कई दावेदार दीदी का खेला बिगाड़ सकते हैं, जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के उद्घोष से आग बबूला होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी दीदी को रामद्रोही बताकर उनके खिलाफ हिंदू मतदाताओं को गोलबंद कर रही है। बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं, लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी, उस सरकार का हर्ष आपने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।